लिए भाषा क्या होती है और भाषा किसको कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। और भाषा के कितने रूप है, भाषा के रूप देखो दो, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप कैसा होता है, जो बात अपने मुंह के द्वारा बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसको कहते हैं मौखिक भाषा। इसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक तो मुंह से बोलना और दूसरा होता है कानों से सुनना। फिर है लिखित रूप, लिखकर दूसरों तक अपनी बात को, जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको देख के बच्चे अपनी नोटबुक पे उतारते हैं, इसको भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं, लिखना और पढ़ना। इसमें भी दो क्रियाएं होती है, लिखना और पढ़ना। केंद्रीय रूप है जैसे कि सांकेतिक भाषा। कभी कभी हम हैं तो भाषा के मौखिक रूप का उपयोग करते हैं और नहीं लिखित रूप का। हम हाथ हिलाकर या आंखों द्वारा या संकेतों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यातायात पुलिस का सिपाही है, गाड़ी को या जैसे कि सड़क पे जाते वक्त बीच में गाड़ी आ गई है और इधर उधर से इंसान आता है तो उसको इशारे से हाथ से रोकता है।